ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, एडिट करने में बहुत दिक्कत आती है। रात को 12-12 बजे व्लॉग अपलोड हो रहे हैं। नॉर्मली प्याज और मिर्ची डाले जाते हैं, टमाटर एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं क्योंकि अबे छींटे उड़ रहे हैं, भागो। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, लाइफ चली गई, धोखा दे दिया हमें। लेकिन हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। हे गाइस, वेलकम टू न्यू डे एंड माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज हम घर में अकेले हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि फिर कैमरा किसने पकड़ा है, तो विक्की आया है हमारी हेल्प के लिए। सो इसी के साथ में अपने दिन को चालू करते हैं, और सबसे पहला नाश्ता। अब नाश्ता तो बनाने वाला कोई है नहीं, मम्मी है नहीं, सो ना भाई है, ना मम्मी है, ना पापा है, तो कौन बनाएगा नाश्ता? हम बनाएंगे नाश्ता। तो हम नाश्ते में क्या है, मम्मी ने कुछ भिगो के रखे थे। किचन विचन साफ करना हमें आता नहीं, तो हम नहीं करने वाले। हमें टाइम भी हो रहा है, वीडियो एडिट भी करना है। और अपना जो बताया था मैंने, फर्नीचर का काम चल रहा है, सोफे का काम चल रहा है, तो वो वाले काम की भी भैया ने आज छुट्टी मारी है, वो बाहर गए हुए, सो वो वाला काम नहीं है, इसलिए हम सोच रहे चलो नाश्ता कर लेते। ओहो, ये तो मठ है। ओ कोम फूटे हुए। सो बहुत दिनों बाद, मतलब मुंबई में तो एक्सपेरिमेंट हमने किए ही है, आपने व्लॉग्स देखे होंगे मुंबई के, लेकिन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हम फर्स्ट टाइम करते हैं। तो चलो अपना एक्सपेरिमेंट चालू करते, गैस चालू कर लेते। अरे बाबा, गैस चालू करना नहीं आ रहा हमें। एक बार धो लिया जाए इसको, है ना भाई। व्लॉग ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, एडिट करने में बहुत दिक्कत आती है। रात को 12-12 बजे व्लॉग अपलोड हो रहे हैं, तो उसका अलग मेरे को टेंशन हो रहा है। शॉट लिया 2-3 दिन के बाद में टाइम पे आए, पानी में से बाल्टी में से पानी लिया जा रहा है, वो सब दिख रहा है। दिख रहा है। कुछ अलग बनाएंगे आज। पिछले कुछ व्लॉग्स में, मतलब मुंबई के व्लॉग्स में आपने देखा होगा हम कैसे बनाते हैं, नहीं देखा हो तो जाके देख लेना। ये इसका जो पानी अपन ने धोया है ना, अच्छा इसको सुखाने के लिए। डन डन डन, ये कटपिट हो चुका है। नॉर्मली प्याज और मिर्ची डाले जाते हैं, टमाटर एक्स्ट्रा हम डाल रहे हैं क्योंकि हमें सॉस नहीं डालना, सॉस है वैसे लेकिन टमाटर का स्वाद ही कुछ अलग है। सो उसके अलावा ये है गाजर, थोड़ा सा गाजर का भी टेस्ट आना चाहिए, ये हमारा स्टाइल है। चलो ठीक है, इसको भी छील के फिर मिलते, उसको फ्राई करेंगे और बनाएंगे और मस्त खाएंगे। रुको, इसमें दाने भी डालेंगे, मतलब सिंग दाने हैं या मूंगफली के दाने, जो भी बोल लो यार, क्या टेस्ट आएगा। अभी मैं इमेजिनेशन कर रहा हूँ तो बहुत मस्त लग रहा है। तो मिलते हैं, मुंह में पानी आ रहा है, भूख पेट में भूख लग रही है। वैसे हम डालने वाले थे गाजर, लेकिन विक्की ने बोला कि गाजर भाई इतने पकेंगे नहीं क्योंकि कड़क आते हैं, तो हमने सोचा है क्यों ना इन्हें बॉइल कर लिया जाए थोड़ा। तो हमने डाल दिया इसमें पानी और डाल रहे हैं हम इसमें गाजर, थोड़ा सा इसे बॉइल करते हैं, बसाते हैं ताकि ये नरम हो जाए, और नरम होने के बाद में इसका टेस्ट अलग ही आएगा और ये जल्दी हो भी जाएंगे। थोड़ा सा ये बफने दो, हो चुके हैं अपने गाजर, पूरा पानी सूख चुका। अब ये टमाटर की तरह बन गए, तो ये तो अपना काम हो गया। अब दूसरा काम है अपने जो दाने हैं उनको फ्राई करना। अरे यार, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, लाइफ चली गई, धोखा दे दिया हमें। लेकिन हम झुकेंगे नहीं। उसी तेल में वो भगा रहा, उसी तेल में नहीं, तो तेल को थोड़ा ज्यादा डालना ना, तभी ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खाते, उसमें तला जाएगा। वैसे देखते हैं, लाइट जाने के बाद में भी एकदम क्वालिटी अच्छी आ रही है। मम्मी हमें बहुत ही डांटने वाले है, और जब ये वीडियो आएगा तो लोग भी बोलेंगे क्या क्या बनाते रहता है। ताकि ये अबे छींटे उड़ रहे हैं, छींटे उड़ेंगे नहीं, वो उछलेंगे ना, वो भागो, बम फूट रहे। अब ये बहुत उछलेंगे क्या, ये ढाल का काम करेगी जो कि प्लेट और तलवार का काम कर रही है, करछी। तो यहाँ पे हम जंग लड़ रहे हैं अपने पेट के भूख के लिए, ये युद्ध है पेट के लिए। हम इसे निकाल लेते हैं, सब हम ये निकाल चुके हैं, बहुत ही ऑयली लग रहे हैं। लाइट आ चुकी है, डालने वाले है जीरा, डाल दिया थोड़ी सी राई डाल दी, राई और जीरे को होने दो, फ्राई होने देना। तो ये मिर्ची बाद में डालते हैं, ये वाली मिर्ची तो बाद में डलेगी। हाँ ये वाली पहले, इसको डाल दिया जाए, इसको डाल दिया, ये जरूर हो ज्यादा। भाई विक्की को बनाना आता है, विक्की घर पे खाना बनाता है, बहुत
प्याज डाल दिए, ये गई मिर्ची बन चुके हैं फूड ब्लॉगर। अब थोड़ा सा इसे ब्राउन होने देंगे भाई। अब मिर्ची पकेगी नहीं, तूने गलत कर, होगी होगी मिर्ची भी पकेगी। ये मिर्ची नहीं पकेगी, नहीं 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 पक जाएगी, पक जाएगी। कैसे पकेगी? बघार होएगा जब, बघार उसमें कोई पानी तो आने लगेगा, तेल बढ़ा दिया जाए। स्टेप लग रही है तो हम ये थोड़ा सा तेल साइड में डाल के इसमें मिर्ची को पकाएंगे। कढ़ाई अभी तो जल रही है। अबे ये क्या कर रहा तू? क्या कर रहा हूँ? ये अपुन का स्टाइल है। अब तू राय मत देना, तेरी राय के चक्कर में राय ही रह गई है। यहाँ से अब हमने राय देना बंद कर, राय देना और मुंह पे उंगली रख दिए। बाकी का अब आगे का काम बनाना जो भी है अब अंकित करेंगे। ये देखो ये अपन ने जो मिर्ची डाली ये पक रही है, ठीक है। ये मसाला बन चुका है। मसाले में डालेंगे ये खुशबू आते हुए टमाटर। फूड ब्लॉगिंग का चैनल चालू कर लो क्या? नई नई डिशेज बनाऊंगा। एक्सपेरिमेंट करना मुझे बहुत आता है, लेकिन बर्तन बहुत जल जाएंगे मेरे। इसमें मुँह में पानी आते हुए और खुशबू भी आते हुए मसाले भी डाल दिया। इसी को है ना हम ऐसे प्लेट से निकाल के खा सकते हैं, मसाले वाला इतना मस्त बना। लेकिन इसमें हमें ये भी डालनी होगी। कुछ यूनिक से चीज बन गई है, ऐसा लग रहा भेल बन चुकी है, बस खुशबू बहुत मस्त आ रही है। हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज भूल गए, बताओ क्या? नमक। ये तो हमको मालूम है, पक्का खाना बनाता है। थोड़ा फास्ट करके हम एक बार हिला लेते अच्छे से। बिल्कुल कर लो उसको, ठीक है। हम कर चुके मतलब, ये तो यही था, यही था। अभी जो भी है मम्मी यार सब कर लेंगे। अपने को पता नहीं कौन सी चीज कहाँ पे रखी जाती है। तो टाइम हो चुके है, टाइम क्या हुआ भाई? तो टाइम हो चुका है 12:11:44। कितना 5 मिनट करे? नहीं 2 मिनट। 2 मिनट क्या मैगी बना रहे? तो ठीक है 2 मिनट वेट करते हैं। 4:04 हो रही है, 4:07 पे हम उतार लेंगे। 4:06 पे ना, 4:07 पे 3 मिनट लेंगे, 3 मिनट लेंगे। चलो। अरे बाबा बहुत थक गया मैं तो। खुशबू आ रही है, मतलब हो गया है अपने 3 मिनट भी कम्प्लीट हो गए। आ रही है, आ रही है। तो अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने दिया जाए। सजा के मिलते हैं। विक्की खाएगा कि नहीं? विक्की नहीं खाएगा, विक्की को भी खिलाएंगे सजा के। सब तैयार कर चुके हैं और सजाने के लिए हमारे पास में वो कोथमीर और ये सब नहीं है, तो आप चाहो तो वो भी सजा सकते हैं। और हमें लगता है हमें फूड ब्लॉगिंग चालू करनी चाहिए। मुंह में पानी आते जा रहा है, अब एक कुल खा के भी देख लेते हैं। So, मिलते हैं नाश्ता करने के बाद में। और विक्की कैसा लगा? अच्छा है। मस्त मस्त, मेहनत सक्सेसफुल। चलो फिर खा के आराम से नाश्ता करके मिलते हैं। और हाँ, रेसिपी तो आपको पता चली गई है क्या है क्या नहीं। और फूड ब्लॉगर बनने की कोई इच्छा है नहीं वैसे मेरी, लेकिन कभी कभी अच्छा बना लेते, एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं। खाना बनाना आता नहीं मुझे, जैसा आप सबको पता ही होगा अगर आप डेली व्लॉग्स देखते हो मेरे तो। चलो नाश्ता कर लेते, भूख बहुत लगी है। मम्मी ये व्लॉग आप देखोगे तो मैं दोबारा नहीं बनूंगा। सो हमने सुबह तो नाश्ता किया था, लेकिन दोपहर का क्या? अभी मम्मी तो आए नहीं है, मम्मी आएंगे शाम को। तो आए हैं हम घर से बाहर, मतलब मार्केट में, जो अपना सोफे का काम है और अपना टेबल का काम है वो कंप्लीट करने के लिए। उसका कुछ सामान लेना है वो लेने के लिए। तो रात को लेट तो हो चुके हम। तो मार्केट का काम पूरा हो चुका है और अब हम वापस जा रहे हैं घर पे। घर पे जाके मिलते हैं, देखते क्या होता है। अरे तो आज वाला फूड ब्लॉग आपको कैसा लगा? तो इस ब्लॉग का हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि घर पे जाएंगे टाइम हो जाएगा अभी ब्लॉग पे एडिट करना। वो वाला वीडियो अभी तक एडिट नहीं हो पाया है हमारा, तो अंधेरा लग रहा होगा। अब अंधेरे में ही इस ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, फूड ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छे लगे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले ब्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। मिलते कल वाले ब्लॉग में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए। ओके बाय बाय।